अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय बालापार सोनबरसा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। उन्होंने विश्वविद्यालय में चल रही प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए चल रहे कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के अंदर महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए किस हद तक आंदोलन करना पड़ा। दुनिया के तमाम देशों में महिलाओं को मिले हुए अधिकार बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत के अंदर जिस दिन से चुनाव प्रारंभ हुए उस दिन से महिला व पुरुष को समान अधिकार मिला है। 1952 में पहला चुनाव हुआ था, तब भारत में 1952 में महिला हो या पुरुष मतदाता उन सभी को अपना मतदान करने का अधिकार मिला था। लेकिन दुनिया के तमाम देशों में इस अधिकार को लेकर आंदोलन हुए हैं। यहाँ तक कि बहुत से देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार भारत से बाद में मिला, जिससे सिद्ध होता है कि भारत में महिलाओं के प्रति समानता का भाव पहले से ही रहा है। और जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें लिखा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, एक समता का व्यवहार सबके साथ हुआ। उन्होंने कहा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता यह भारत के संविधान का मूल हिस्सा है, जिससे महिला और पुरुष में कोई भेदभाव ना हो। लेकिन उन सब के बावजूद कहीं ना कहीं समय के अनुरूप यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई, जिसके कारण बहुत जगहों से शिकायत मिलती थी। इसलिए सभी लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह योजनाएं उनके सम्मान व स्वावलंबन से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि जब कोई वर्ग पिछड़ता है तो उसका मतलब है कि उसे योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वह पिछड़ जाता है। तो हमारी सभी संस्थाओं से आग्रह है कि शासन की योजनाओं को सभी तक पहुंचाने के लिए आगे आना होगा, जिससे कि हर व्यक्ति तक शासन की योजनाओं की जानकारी पहुंच सके, जिसमें विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं विश्वविद्यालयों में से निकलने वाले छात्र आने वाले समय में नेता, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनते हैं। इस अवसर पर महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर डॉक्टर अतुल बाजपेयी, एम्स के निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर, नर्सिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर DS अजीता सहित विश्वविद्यालय के छात्र व छात्राएं मौजूद रहे।
मानवता चेतने मिश्र ऑफ उत्तर प्रदेश चांसलर ऑफ महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर. टुडे इज द डे टू शो मी वुमन दैट हाउ मच यू केयर फॉर देम एंड लव देम एंड आवर महाराज इज हियर विद अस. Thank you.
थे। यहाँ पर प्रशिक्षक अन्य अतिथिगण मीडिया के सुने थे हमारे बंधुगण भाइयों बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस वर्ष का थीम है जेंडर इक्विटी टुडे और सस्टेनेबल टुमारो, यानी अस्थाई कल के लिए लैंगिक समानता। यह इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है। आप सबको ये जानकर के आश्चर्य हो रहा होगा कि दुनिया के अंदर महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए किस हद तक आंदोलन करना पड़ा। दुनिया के तमाम देशों में महिलाओं को मिले हुए अधिकार इस बात के प्रमाण है। जैसे अभी आप लोगों ने चुनाव में भाग लिया होगा, कितने लोगों ने चुनाव में वोट किया है, वोटिंग में भाग कितने लोगों ने लिया है, आप देख सकते हैं कि ये वोटिंग राइट भारत के अंदर जिस दिन से चुनाव प्रारंभ हुए उस दिन से महिला और पुरुष को समान रूप से मिला था। 1952 में पहला चुनाव हुआ था और 1952 में हर वयस्क मतदाता, वो महिला हो या पुरुष, उन्हें भारत के अंदर अपना मत देने का पूरा अधिकार मिल गया। लेकिन दुनिया के तमाम देशों में इसे लेकर के आंदोलन हुए हैं, यहां तक कि आधुनिक लोकतंत्र का जनक जो इंग्लैंड माना जाता है वहां पर ही वोटिंग राइट यानी मत देने का अधिकार महिलाओं को भारत से बाद में मिला। जो अपने आप को बहुत आधुनिक कहता है उन देशों में भारत से देर में महिलाओं को अपना वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसका मतलब भारत के अंदर महिलाओं के प्रति समानता का भाव पहले से ही रहा है और इसीलिए भारत ने जब अपना संविधान अंगीकार किया वो संविधान का ये महत्वपूर्ण जो भाव था कि वह किसी भी व्यक्ति के साथ जाति बाल बचाव लिंग और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, एक समता का व्यवहार सबके साथ होगा। स्वतंत्रता न्याय स्वतंत्रता और समता ये भारत के संविधान की मूल आत्मा का हिस्सा रहा है जिसमें महिला और पुरुष में कोई भेद न हो। लेकिन उस सबके बावजूद समय के अनुरूप ये प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से आगे नहीं बढ़ पाई होगी जिसके कारण बहुत सारी जगहों से शिकायतें मिली और इसीलिए जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में केंद्र और प्रदेश सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो योजनाएं महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई है, उनके सम्मान से जुड़ी हुई है, उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई है। क्योंकि हमेशा कोई समाज या कोई वर्ग पिछड़ता तब है जब उसे
बारे में या शासन की योजनाओं के बारे में या व्यवस्था के उसी के बारे में से जानकारी नहीं होती, वह उसमें पिछड़ जाता है। और इसलिए अक्सर मैं इस बात को कहता हूं कि शासन की योजनाओं को लागू करने का माध्यम हमारी संस्थाओं को बनना पड़ेगा, कॉलेजेस को बनना पड़ेगा, विश्वविद्यालयों को बनना पड़ेगा, महाविद्यालयों को बनना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं में से निकलने वाले छात्र छात्राएं एक समय के बाद इन्हें क्रियान्वित करेंगे। अब जैसे भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये बात सामने आई कि देश के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में लैंगिक असमानता है, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या काफी कम है कुछ क्षेत्रों में। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कार्यक्रम चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए हम बेटा हो बेटी हो इसमें भेद न करें, बल्कि समान रूप से वह सम्मान की पात्र बने, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम चलाया गया। व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम बना, विभिन्न प्रकार के अवेयरनेस के कार्यक्रम बने, फिर अनेक योजनाएं आगे बढ़ी, मातृवंदना योजना है, जननी सुरक्षा योजना है और बाकी योजनाओं को आप देख सकते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन में हर घर में एक एक टॉयलेट उपलब्ध हो जाना, सामान्यतः ये स्वच्छता का मानक है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये नारी गरिमा से भी जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिन परिवारों के पास अपना रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था, वे धुएं से लकड़ी में गोबर के ऊपरों में कोयले में अपने घर के लिए भोजन बनाने के लिए मजबूर होती थी, उन सबको इससे मुक्ति देने के लिए, क्योंकि जब कोयले में या लकड़ी से कोई महिला भोजन बनाती है तो वह जितना एक समय का भोजन बनाते समय जितना धुआं उसके अंदर जाता है, वह तमाम प्रकार की कार्बन जनित बीमारियों को जन्म देते हैं, लंग्स उनके खराब होते हैं, श्वास की परेशानी होती है और एक समय के बाद स्थिति आती है कि असमय व्यक्ति टीबी का पेशेंट हो जाता है या तमाम अन्य बीमारियों की चपेट में आता, आंखें खराब होती है। आपने देखा होगा गांव में 40 साल 50 साल के साथ ही लोगों को मोतिया भी होने लगता है, उसके बाद उनकी आंखों की देखना बंद हो जाता है, बहुत सारे लोग यानी जवानी में ही ऐसे लगता है जैसे उनके बुढ़ापा आ गया, ये स्थितियां आती हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना, जिन लोगों को कभी आवास नहीं मिल पाया था, पक्के मकान नहीं थे, प्रयास हुआ है कि उसमें मकान उन परिवारों को मिले और स्वामित्व उसका जो अधिकार मिले, मालिकाना जो नाम हो वह महिलाओं के नाम पर हो, घर की जो मालकिन हो घर की जो महिला हो उसके नाम पर हो। या आप गांव में जाएंगे, गांव में अक्सर क्या होता है, गांव में उन लोगों ने मकान बनाए गए लेकिन जिस जमीन पे उनका मकान होता है उस जमीन उनके नाम पर नहीं होती, वह जमीन ग्राम पंचायत की होती है, ग्राम समाज की होती है। और एक समय के बाद जब मकान अगर कभी टूट गया और मकान टूटने के बाद वह फिर से वहां पर अपना मकान
प्लांट बनाना चाहता है तो बहुत बार होता क्या है कि गांव का कोई दबंग व्यक्ति उन्हें मकान नहीं बनाने देता, वो कहता था ये तो मेरी जमीन है और उसके बाद वो उससे वंचित रह जाता था, जब तक होता एक गरीब अपना मकान नहीं बनाता। एक स्कीम चलाई गई प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की, इस योजना में ड्रोन सर्वे से पूरे गांव का सर्वे होता है, जहां पर जिसका मकान है वहां पर उसका मकान का फिर वहां पर एक एक मकान को सर्वे करके चूना डाल करके उसका सर्वे करके पूरी बैठक होकर के और उस आधार पर फिर जितना उस मकान का रकबा आया है उस रकबे के आधार पर उस जमीन का मालिकाना अधिकार उस घर के उस परिवार को दे दिया जाता है जिसका मकान ग्राम पंचायत में है। और इसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि ज्यादातर परिवारों को हम इस योजना के साथ महिलाओं को इसका अधिकार दें, या जहां पर महिलाएं नहीं है वहां पर महिला और पुरुष दोनों को इसके साथ जोड़ें। जब उस एक पक्का कागज जिस जमीन पर उनका मकान है उस मकान उस जमीन को उनके पास प्राप्त हो गया तो अगर वो अपना छोटा मोटा कार्य प्रारंभ करने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बैंक भी उस कागज के आधार पर उन्हें लोन दे सकता है। उन्हें दुकान करना है, उन्हें मकान बनाना है, उन्हें कोई भी अन्य कार्य करना है तो उस जमीन को गिरवी रख करके वह बैंक से लोन देने की पात्रता रखते हैं। इन सभी योजनाओं में जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार ने भी कुछ योजनाएं चलाई, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई, कुछ बालिकाएं हैं इस पर जो कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित हुई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म लेने से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए बेटी जन्म ले उसका रजिस्ट्रेशन होता है, एक निश्चित आय प्रूफ के लिए है, उस बेटी को उसके नाम पर सरकार के द्वारा 2000 रुपये का जमा कर दिया जाता है। बेटी एक वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीका उसमें लगेंगे, टीका लगने के बाद उसका सर्टिफिकेट जैसे जमा होगा फिर 1000 रुपये उसके अकाउंट में चले जाएंगे। बेटी पहली क्लास में जाएगी, जैसे विद्यालय में रजिस्ट्रेशन होगा तो बेटी के अकाउंट में फिर 2000 रुपये चले जाएंगे। बेटी 5वीं पास करके 6वीं क्लास में जैसे रजिस्ट्रेशन करवाएगी फिर 2000 रुपये उसके अकाउंट में चले जाएंगे। ऐसे ही 12वीं तक 12वीं पास करने के बाद जब चाहे वह डिप्लोमा कोर्स करना चाहती है, सर्टिफिकेट का कोर्स करना चाहती है या डिग्री कोर्स करना चाहती है तो 5000 रुपये उसके अकाउंट में चले जाते हैं, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उसके अकाउंट में पैसे जाते हैं। 15000 रुपये का एक पैकेज एक बेटी के लिए कन्या सुमंगला योजना में राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है, जिसमें अब तक प्रदेश की 11 लाख बेटियों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे शहरी क्षेत्र में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो बेटी की शादी के लिए उतनी धनराशि नहीं एकत्र कर पाते, जिससे बेटी की शादी की अर्थ कर सके। हमने राज्य सरकार की तरफ से कमला घोषित किया कि हम राज्य सरकार की तरफ से बेटी की शादी के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 51000 रुपये हर बेटी की शादी के लिए उपलब्ध करवाएंगे। अब तक 2 लाख बेटियों की शादी इस योजना के अंतर्गत हुई है और ऐसे ही देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन में 2,61,00,000 परिवारों में शौचालय का निर्माण हुआ है, आवास योजना में
एक एक आवास मिला है। अगर आप देखेंगे उज्ज्वला योजना में 1,67,00,000 ऐसे परिवार थे जिनके पास आजादी के बाद अपना रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था, उन्हें ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई। ऐसे ही अन्य योजनाओं के साथ भी जोड़ने का कार्य किया गया। इसके पीछे तो उद्देश्य था कि बेटियां और महिलाएं भी जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल की भर्ती का एक विशेष अभियान चलाया। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में जितनी महिला कार्मिक थी आज उसकी 3 गुना महिला कार्मिक है। 3 गुना से ज्यादा महिलाएं वहां कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं। यानी ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए वे कदम हैं जो महिलाओं को समाज में सम्मान भी देता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है और साथ साथ उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर भी करता है। केवल सुरक्षा ही नहीं, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, ये तीनों जब एक साथ चलेंगे तो वह सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा और सशक्तिकरण के उस मार्ग को हम लोग आज जब लैंगिक असमानता को दूर करने की बात करते हैं और ये वर्ष महिला और पुरुष में भेद न हो, दोनों बराबर की सामर्थ्यवान है, जिस फील्ड में उन्हें कार्य करने का अवसर मिला है वे वहां कर सकती है, वह दिखाने का एक अवसर भी है। तो उस अवसर पर जब हम लोग यहां पर मौजूद हैं तो आप सब नर्सिंग से जुड़े भी प्रशिक्षु हैं। मुझे लगता है कि नर्सिंग के बारे में भी माना जाता है कि नर्सिंग सेवा का एक बेहतरीन माध्यम है और स्वास्थ्य सेवा का एक रीढ़ माना जाता है और ये मान्यता है कि जितना अच्छा कार्य इस फील्ड में महिलाएं कर सकती हैं उतना हो सकता है पुरुष न कर पाते हैं, क्योंकि वह अपने आप में नर्सिंग का जो कार्य है ये एक संवेदना से जुड़ा हुआ कार्य है, भावनाओं से जुड़ा हुआ कार्य है। एक मरीज और एक डॉक्टर के बीच, एक मरीज और एक स्टाफ नर्स के बीच जो एक भावनात्मक लगाव होना चाहिए, एक तो उसके प्रति संवेदनाएं होनी चाहिए मरीज के प्रति हमारी। ये मान्यता है कि महिलाएं ज्यादा अच्छे ढंग से सेवा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकती हैं और इसीलिए नर्सिंग के इस कार्य में पूरे देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर भारत की बेटियां छा गई। Thank you.
कॉन्टैक्ट जस्ट आउट टाइम है।